बिहार में आने वाले नगर निकाय चुनाव में अब से जनता की सीधी भागीदारी होगी। बिहार की जनता अब खुद ही नगर निगम के मेयर, नगर पालिका और नगर परिषद के चेयरमैन को चुन सकेगी। बिहार में अब तक ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते थे, जिसमें नगर निकायों के चुनाव में जीते हुए पार्षद और सदस्य ही मेयर, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों का चुनाव करते थे। राज्य सरकार इन तीनों ही पदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव करवाने की तैयारी में जुट गई है। इन चुनाव में इस बार राजनीतिक दलों की भी भागीदारी होगी और उम्मीदवार चुनाव चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे। अब तक बिहार में नगर निकायों के चुनाव में उम्मीदवार बिना पार्टी चुनाव चिन्ह के राजनीतिक दलों के समर्थन से हारते जीतते रहे हैं। लोग इस उम्मीद में हैं कि इन चुनाव में जनता की भागीदारी से नगर निकाय चुनाव में पारदर्शिता आएगी और लोग अपना मेयर चुन पाएंगे। बिहार में ये भले ही पहली बार होने जा रहा है, जबकि पड़ोसी राज्यों में पहले ही मेयर के प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था है। बिहार सरकार ने नगर निकाय के चुनाव में बदलाव के लिए प्रस्ताव तैयार करने के आदेश नगर विकास विभाग को दे दिए हैं। आपको बता दें कि बिहार में कुल 143 नगर निकाय हैं। इन निकायों में अभी तक चुनाव पार्टी आधारित नहीं होती थी, पर पार्टियां अप्रत्यक्ष रूप से इन चुनाव में पूरी ताकत लगा देती थी। ऐसे में सत्ता के दुरुपयोग और धन बल के प्रयोग के आरोप भी खूब लगते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।